सीमा उपरे भारतीय मारणास्त्र भयंकर शब्द भारतीय सेनार प्रस्तुति देखि चीन अटकुछ निश्वास यहाक चीन भयभीत हो निजर जे 16D जेट को ओल्लवा बेले भारत एक नुआ मारणास्त्र नहीं ओह्ल। नमस्कार देश विदेश खबर सह डीटीवी ओडिया को स्वागत करुच्छे मु प्रीति। बंधुगण एलएसी रे भारतीय सेनार युद्ध प्रस्तुति के देखि चीन भयरे थरी उठिला कारण तार समय सीमा सरी आसला बोली चीन भल भाव जाणी सारी। चीन समुद्र भितर निजर दादागिरी देखाईपे हेले लदाखर उच्च पहाड़ उपरे भारतीय सेना सह टक्कर देवाई एतटा सहज नुहे चीन स्पष्ट भाव जाणी सारी। गोटेपटे भारतीय सेनार पर्वत उपरे लड़ा एवं तासह भारतर वायुसेना चीनी सेना ठारू अधिक शक्तिशाली हेबा देखि चीन एबे डरी जाइछि। तबे चीन को आहुरी डराई देछि अमेरिकार एक अनुसंधानकारी रिपोर्ट जे 16D युद्ध विमान को उन्नत करी विकसित करा जाइछि। एहा एक युग्म आसन युग्म इंजिन भारी युद्ध विमान। चीन दावी करिछि जे एहा एही युद्ध विमान को स्वदेशी प्रजुक्ति विद्या आधार रे विकसित करिछि। ते भारत सह चलिथिबा तिक्तकता मध्यरे चीन एही अभ्यास रे सबुठरु आधुनिक जे 16D युद्ध विमान लॉन्च करिछि। ए युद्ध विमान इलेक्ट्रॉनिक युद्ध रे पारदर्शी बोली कहा जायछि। तबे चीन न राज्य गणमाध्यम ग्लोबल टाइम्स रिपोर्ट करिछि जे चीन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वायुसेना जे 16D इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विमान युद्ध पई तालीम नेउछि। तबे चीन जे 16D युद्ध विमान सहित युद्ध क्षेत्र रे जे 16D नेबाकु चाहूछि। सेपटे निकटने ग्वांगो डोंगो प्रदेश रे जुहाई रे आयोजित एयर शो चाइना 2021 ने चीन एही युद्ध विमान प्रदर्शन करथला। तबे चाइना सेंट्रल टेलीविजन सूत्ररु प्रकाश जे प्रकृत युद्ध पई एही युद्ध विमान प्रथम थर पई नियोजित होइछि। ग्लोबल टाइम्स जड़े अज्ञात चाइनार विशेषज्ञों उद्देश्य कही प्रकृत मनिभर J-20D युद्ध विमान युद्ध क्षमता प्रमाण करने सहित चीन वायुसेना नूतन युद्ध विमान शक्ति एवं दुर्बलता विषय भल भाव अवगत हो। तबे चीन विशेषज्ञ दावी करिछंती जे जदि जे 16D युद्ध विमान एही समय रे युद्ध पई प्रस्तुत नुहे तबे एहा आगामी दिन रे करा जीवो। वैदेशिक युद्ध पई चीन एहार पुराणा जे 16D युद्ध विमान को नवीकरण करी ए युद्ध विमान तयारी करिछि। जे 16D युद्ध विमान चीन वायुसेनार युद्ध क्षमता को बहुगुणित करिवो बोली आशा कराउछि। तबे ए पर्यंत एही युद्ध विमान चीन वायुसेना रे संपूर्ण भावे नियोजित होइना हे। जे 16D युद्ध विमान जे 16D को उन्नत करी विकसित कराइछि। एहा एक युग्म आसन और युग्म इंजिन भारी युद्ध विमान। चीन दावी करिछि जे एही युद्ध विमान को स्वदेशी प्रजुक्ति विद्या आधार रे विकसित करिछि। ए मल्टीरोल युद्ध विमान उभय आक्रमणकारी एवं प्रतिरक्षा भूमिका रे व्यवहृत होइ पारिबो। ए युद्ध विमान वर्तमान पर्यंत चीन वायुसेना रे नियोजित अन्य विमान अपेक्षा अधिकृत अटे। एथिरे चाइनार अन्य युद्ध विमान तुलन रे अग्नि नियंत्रण व्यवस्था रही राडार एवं ऑपरेशन सिस्टम को नवीकरण भी करा जायछि। सीसीटीवी सामरिक विशेषज्ञ वांग मिंग जिंग को उद्देश्य रे कहिछि जे जे 16D एवं मूल जे 16D मधरे सबठारु बड़ पार्थक्य होउछि नूतन जे 16D विभिन्न उन्नत उपकरण सहित उड़ी पारिबो। तबे छोटो जंत्रपाती एही युद्ध विमान डेणा तले रखा जाइथिबा बेले भारी जंत्र लगा जाई पारिबो। ए विमानटी इलेक्ट्रॉनिक सीसीटीवी जोगाजोगे विकृति एवं राडार जामिंग उपकरण सहित सजा जाइछि। एहा व्यतीत अनेक आधुनिक एयर टू एयर मिसाइल मध्य एथिरे स्थापना कराइछि। तबे बेंजिंग स्थित एरोस्पेस नॉलेज मैगजीन रे मुख्य संपादक वांग यानान कहिछंती जे प्रकृत युद्ध हेले एही युद्ध विमान एहार इलेक्ट्रॉनिक युद्ध द्वारा शत्रु मानक मधरे आतंक सृष्टि करि पारे। एही कारणरु शत्रुर जोगाजोग एवं निरीक्षण प्रणाली काम बंद करि पारे। तबे जे 16D इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विमान अन्य युद्ध विमान सहित युद्ध क्षेत्र रे विपद सृष्टि करि पारे। से कहिछंती जे चीन वायुसेनार जे 16D विमान जे 20 सहित मिसी शत्रु मानक उपरे भारी प्रभाव पकाइबो। एक युद्ध विमान शत्रुक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को बंद करी राडार को जाम कर जितेबले कि J-20 निजे चोरी टेक्नोलोजी सहित रही थी।
एपरी परिस्थिति रे से शत्रु को सठिक भाव रे आक्रमण करि पारंती। मार्च रे वेलफेयर केंद्र द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन अनुजाई भारत रे प्राय 270 युद्ध विमान एवं 68 ग्राउंड अटैक युद्ध विमान रहिछि। एथिसहित गत किछि दशंधि मध्यरे भारत चीन सीमारे अनेक एयरस्ट्रिप निर्माण करिछि जेउठारु ए युद्ध विमान गुड़िक सहज उड़ी पार। यही समय अध्ययन अनुजाई चाइना रे 157 टी युद्ध विमान एवं एक छोट ड्रोन रही। अध्ययन में कहुई जे चीन रे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वायुसेना भारत सह सीमावर्ती अंचल 8 बेस व्यवहार करे, किंतु एथिमध्यरु अधिकांश बेसामरिक विमान क्षेत्र अटे। वेलफेयर सेंटर द्वारा करा अध्ययन अनुजाई भारतीय वायुसेनार मिराज 2000 एवं सुखोई Su-30 युद्ध विमान चीन ने J-10, J-11 एवं SU-27 युद्ध विमान उपरे रही। चीन एक विमान गुड़ी को भारत सीमार नियोजित करी। तबे इंडियन मिराज 2000 एवं Su-30 जेट सब मल्टीरोल विमान होता बेले चीन J-10 एपरी क्षमता अच्छी। वेलफेयर को अध्ययन जमापड़ी जे चीन यार पूर्व एवं दक्षिण भाग को आमेरिकार आसी विपदर रक्षा करने मजबूत कर। तबे पश्चिम सेक्टर रे यार 4 एयरफिल्ड दुर्बल हो जाए। अध्ययन दावी करी जे तिब्बत एवं जिनजियांग रे चाइनार वायु बेस रो उच्चता हेतु एही अंचल रो साधारणत भौगोलिक एवं पानीपाग परिस्थिति हेतु चीन युद्ध विमान गुड़िक सेमानंकर अधा वारी एवं इंधन सहित एहा उड़ी पारिबे, जेतेबेले कि भारतीय युद्ध विमान संपूर्ण सामर्थ्य सहित आक्रमण करिपरिबो। चीन न एरिल इंधन क्षमता अर्थात वायु इंधन क्षमता मध्य कम अटे, एथिरे पर्याप्त संख्याक एरियल टैंकर नाही। तबे दर्शक बंधु आज देश विदेश कार्यक्रम को एठी रखुची। नमस्कार। घरे टेंशन बाहरे भी टेंशन, पुअर चाकरी पई हो झीर बाहा घर पई हो, घरे अशांति मुंड उपरे ऋणर बोझ कोर्ट कचेरी मामला आउ जमी जमा विवाद ए सब भितरे आपण माने घंटी हेउचंती ना। एई सब टेंशन रो मुकुलिवार रास्ता खोजुचंती कि जानिबा को चाहुचंती आपण को समस्या रो समाधान केबे एवं किपरि हेबो देखंतु भाग्य चक्र। आपण समस्त प्रश्नर उत्तर पाई परिबे आम कार्यक्रम रे भाग्य चक्र प्रति मंगलवार गुरुवार रविवार राति 9 रे केवल डीटीवी ओडिया रे। नमस्कार। देश विदेश खबर सहित आपण मानक स्वागत करूची मो अनि। दर्शक बंधु भारत सहित चीन रो सीमा विवाद, अफगानिस्तान उपरे तालिबान रो कब्जा, अमेरिका भारत जापान रूस सहित संपर्क वृद्धि, एही भली किछि देश विदेश खबर सहित मु आसुची आपण मानक पाखकु। आपण माने अमर एही देश विदेश खबर को देखिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु एवं अन्य मानक सहित शेयर निश्चय करंतु। डीटीवी ओडिया देखिबा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।